नमस्कार दोस्तों, मैं मधु चावड़ा द फैक्ट टाइम में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की एक संस्था में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि किस लिए इतनी गर्मी होने के बावजूद भी क्यों आज भी यहाँ इतनी भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं। जानते हैं उनसे कि किस लिए आज वो यहाँ आए हुए हैं, करते हैं उनसे बात। मैम आपका नाम? पायल। आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? ब्लड डोनेशन। ये जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, ये किसकी प्रेरणा से कर रहे हो? हमारे पिताजी संत डॉक्टर पुनीत रामायण से। आप एक लड़की हो, लड़की होने के बावजूद आप खूनदान कर रही हो, तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पिताजी की राह पे चल रहे हैं, जो उन्होंने सिखाया वो कर रहे हैं। जैसे कि आपने कितनी बार पहले ब्लड डोनेट कर दिया? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। आप देख रहे हो कि किस तरीके से, जैसे कि बताया जाता है कि लड़कियां इतनी कमजोर समाज में मानी जाती हैं, कितनी कमजोर होती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वह एक बार आपको कैमरा घुमा के दिखाए कि किस तरीके से चारों तरफ लड़कियां खड़ी हुई हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, किस तरीके से यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ इतनी भारी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं, किस लिए? खूनदान करने के लिए। यह भी एक अजूबा माना जाता है। देख सकते हैं आप कितनी भारी मात्रा में आज यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। आप देखिए, सीधा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ आज इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने वो सच डेरा का लेके आए कि क्या होता है डेरा में, क्या आज भी चल रहा है डेरा के अंदर, वो सच्चाई हम आपके सामने लेके आते हैं। करते हैं लगातार उन लड़कियों से बात जो कि आज भी डेरा में उपस्थित है, कि वो किस लिए आज डेरा के अंदर आई है। हेलो मैम, आपका नाम? रौनक। गौरी जी, आप आज किस लिए यहाँ आई हो? आज भंडारे का दिन है हमारा, तो आज सेवा के लिए और बस ये ब्लड डोनेट हो रहा है उसकी वजह से भी आए हैं। क्या आज आप ब्लड डोनेट करोगे? हाँ जी। आप पहले कितनी बार कर चुकी हो? इट वाज माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ये किसकी प्रेरणा से कर रहे हो? ये जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने प्रेरणा दी है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जैसे भी हमसे बन सके वैसे करनी चाहिए। कि लड़कियां, लड़कियों को लोग समाज में ये सोचते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं। नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है? नहीं, कोई कमजोर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस पुरुष प्रधान है, कर्म प्रधान है हमारा। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम डॉक्टर। तो ये शिक्षा आपको किसने दी है? हमारे गुरु जी ने। आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हो और मीडिया ने ये दिखाया कि डेरा के अंदर अनपढ़ अनसमझ लोग जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पढ़े से पढ़े लिखा लोग भी, और जो अगर पढ़ा लिखा वहाँ पे आ रहा है ना, PhD कर रहे हो, वो भी आ रहा है, पढ़ा लिखा है, उसे कुछ पता है तभी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इतनी भीड़ है, बेवजह कोई नहीं आएगा, कोई वजह होगी ना तभी तो कोई आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब बस अफवाहें हैं, एक ये जो मीडिया दिखाती है TRP है उनकी, और कुछ नहीं, उन्हें तो पैसा चाहिए अपने लिए। आपको क्या लगता है, ऐसे गुरु की समाज को जरूरत है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे गुरु की तो हर एक समाज को जरूरत है, जागरूकता के लिए तो चाहिए ना, क्योंकि अंधविश्वास इतना है यहाँ पे। आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? यही कि मतलब जो कोई अच्छा, कोई अच्छाई कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। आप अपने अपने क्या एक स्वार्थ के लिए सेल्फिश होगी ना, पर आपने इतने लोगों का, तो जो इतनी संगत है या फिर इतने हमारी इतनी पॉपुलेशन है, उसका भी तो सोचना चाहिए ना, उन्हें कौन बचाएगा? नशे के अंदर इतने लोग जा रहे हैं, तो सरकार अगर वो कुछ कर सकते उन्हें क्यों नहीं बचाती फिर, उन्हें बचाना चाहिए। डेरा सच्चा सौदा को लोगों ने मीडिया द्वारा जाना है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों? ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया सिर्फ अपनी TRP बढ़ा रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है उसके लिए। मीडिया सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आके देखिए, उन्हें कुछ ऐसा लगे तो बताएं। देखिए, ये हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई थी जो कि डॉक्टर है। जैसे कि मीडिया ने और काफी लोगों ने ये प्रचार फैलाया कि डेरा के अंदर अनपढ़ अनसमझ लोग आते हैं, वही तमाचा है उन लोगों के मुंह पे कि देखिए किस तरीके से पढ़े लिखे लोग आज भी डेरा से जुड़े हैं और लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आगे भी डेरा सच्चा सौदा में आए, और किस तरीके से डेरा में मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। आप खुद आके देखिए, यहाँ पे ये थी वो महिला हमारे साथ जिन्होंने लाइव अभी हमारे साथ बातचीत की और बताया हमें कि क्या डेरा